नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा पहुंच चुके हैं। यहां वे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विंध्यागमन के दौरान हो रहे आयोजन को लेकर अफसरों की बैठक लेंगे। यहां सीएम लोकल प्रोग्राम में भी शामिल होंगे। इसके बाद शाम 6 बजे खजुराहो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल सिंह भी उनके साथ रहे। हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की अभी तक विस्तृत जानकारी गोपनीय रखी गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री 24 अप्रैल को होने वाले नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत विचार विमर्श व निर्देश देने के लिए रीवा आ रहे हैं। फिलहाल रीवा में बढ़ती गर्मी के साथ राजनीति का पारा भी चढ़ता जा रहा है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम में पीएम आवास योजना के 4 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे। साथ ही जल जीवन मिशन के 7,573 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन होगा। कार्यस्थल पर प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, आजीविका मिशन, अमृत सरोवर, जल जीवन मिशन और प्रदेश में विकसित हो रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सौभाग्य है कि 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी बुन्नी की इस पुण्य धरा पर पधार रहे हैं। पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम भी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए अनेकों सौगातें मिलती हैं। प्रधानमंत्री जहां एक तरफ 4 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को प्रवेश का कार्य करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जल जीवन मिशन सचमुच में अद्भुत काम है। गांव में भी घर पर पीने का पानी पाइपलाइन बिछा के टोटी वाले नल लगा के देने का, तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास करेंगे। उसके साथ ही स्वामित्व के पट्टे हैं, स्वामित्व के अधिकार, ये अपने आप में एक सामाजिक क्रांति है कि लोगों के पास जमीन तो थी लेकिन उसका अधिकार पत्र ही नहीं था, स्वामित्व का कोई कागज ही नहीं था, इसलिए उस जमीन का कोई उपयोग ही नहीं था कागज की दृष्टि से देखे। लाखों लोगों को वो स्वामित्व के अधिकार पत्र भी बांटेंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की अनेकों योजनाओं का रेलवे सहित वो लाभ देने वाले हैं। हजारों करोड़ों रुपए की सौगात जिंद को, मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री जी की आगमन की खबर सुनकर पूरे प्रदेश में और जिंद में अत्यंत उल्लास भर का वातावरण है और कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, विंध्य की परंपरा के अनुरूप त्यौहार और उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को, क्योंकि सौगातें मिल रही है प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद से, मनाने का हम लोगों ने फैसला किया है और आज वही व्यवस्था देखने की दृष्टि से वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। हाँ, वंदे भारत अभी ट्रेन के रेलवे के सारे कार्यक्रमों की सूची आ रही है, वो सूची जारी की जाएगी। ठीक है।